हेलो देवियों, सजनों, भाइयों और उनकी बहनों, सब मजे में हो। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। ओहो यार, मैंने ये नहीं कहना था, मैंने कहना था कि सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। तो बात शुरू करते हैं उन ठगियों से जिनको घर वाले दूसरे टाइम का खाना देना भी जरूरी नहीं समझते, और वो यही लोग होते हैं जिनको बुरके में लड़की की आंखें भी नजर आ जाए तो उनको शारी चढ़ जाती है। मुझे फिर शारी आई। इनके हालात ऐसे हो चुके होते हैं कि अगर से कोई भी पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो ये कहते हैं, मुझे लड़की चाहिए। और अगर गलती से इनसे कोई लड़की सेट हो भी जाए तो वो ऐसी होती है, चाहिए मुझे क्या चाहिए। और जब ऐसे ठरकियों ने इर्तगल गाजी में हलीमा सुल्तान को देखा तो कहते हैं, यार आप तुर्की लड़कियां पाकिस्तान में फेंक दे और पाकिस्तानी लड़कियां समंदर में। भाई शादी तुम लोगों की फूफी की बेटी से ही होनी है, और अगर तुम उसको भी समंदर में फेंक दोगे तो फिर सारी जिंदगी हाथ हिलाते रहना। तो चलिए बात करते हैं उस ड्रामे की जो आजकल हर पाकिस्तानी बड़े शौक से देख रहा है, इर्तगुल गाजी। इमरान खान ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया है कि इस ड्रामे को पीटीवी पे चलवाया और लोगों का ध्यान इस चैनल की तरफ भी आया कि ये भी कोई चीज है, वरना पीटीवी को तो लोगों ने अपनी सौतेली औलाद की तरह इग्नोर किया हुआ था। चलो ये भी अच्छी बात है कि अब पीटीवी भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगा, लेकिन इससे हमारे कुछ एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा मसला हो रहा है। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन भाई तुम बड़े एक्टर हो, तुम्हें ऐसी बातें सूट नहीं करती, क्योंकि इस ड्रामे की वजह से आजकल के चुन्ने मुन्ने बच्चों को भी पता लगा है कि पीटीवी भी कोई पाकिस्तान का चैनल है। और अगर फिर भी कोई मसला हो रहा है तो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करो और इस जैसे ड्रामास प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो, ताकि लोग भी पाकिस्तान का बना हुआ कंटेंट देखें। भाई जब एक चीज बनेगी नहीं तो लोग देखेंगे कहाँ। तो भाई ये तो मेरा अपना ख्याल था, अगर किसी को मसला होता है तो होता रहे सानू की। तो चले वापिस आते हैं इर्तगुल गाजी पे। इस ड्रामे के कैरेक्टर्स के नाम सुनकर सबसे पहले मुझे ये ख्याल आता है कि अगर मेरा नाम गुंदोगदू होता तो मेरे दोस्त मेरा निक नेम क्या रखते। जिस तरह के इनके नाम हैं तो गरारे करने के लिए घर घर नहीं बल्कि इनके नाम ही ले लें तो काफी है, जैसे इर्तुगरुल, दुमरुल, तुर्गु, दुंदुर। और बाकी नाम मैं ले नहीं रहा क्योंकि वो हमारी गालियों से मिलते हैं। और जानी भाई कहते हैं, गाली नहीं देनी चाहिए अली भाई, बुरी बात होती है। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो कहने को तो नंबर वन ड्रामा इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ जिंदगी की पैन यकियों में फसाद का तड़का लगा के अवाम को फुदू बनाया जाता है, और मजे की बात कि अवाम भी फुदू बन जाती है, क्योंकि ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि बेटी फसादन होती है, बीवी फसादन होती है, या फिर बहू फसादन होती है। इनके अलावा तो इनको कोई टॉपिक मिलता ही नहीं है। ये लोग इन पैन यकियों से निकले तो कुछ अच्छा बनाए ना, और अगर कुछ अच्छा बना भी लें तो वो बात 2-3 साल तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग भी पैन याके। और भाई हमारे अंदर के कीड़ों की बबून में भी तब तक आराम नहीं आता जब तक हम ये ना कर लें। जी हाँ, बर्गर बॉय इर्तगुल गाजी में भी बर्गर बॉय का इंतजार इन्होंने कर लिया। तो इस तरह भाई बाकी सारे तो पिंडी बॉयज हुए, क्योंकि सारों के चोले तो लंबे हैं। और फिर आती हैं वो लड़कियां जिनको दो लड़के आप बहुत प्यारी हैं बोल क्या दें, पता नहीं कौन से रॉकेट पे बैठकर आसमान पे पहुंच जाती हैं। और जब उनको पता चलता है कि आसमान पे हमसे भी ऊपर वाली चीजें हैं तो फिर वो ऐसी बहकी बहकी बातें करती हैं। इसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं है, अबे साले। और हम हर वक्त कहते रहते हैं कि ठरकी होते हैं तो सिर्फ लड़के ही होते हैं, सिर्फ इन्हीं को होशियारी आती है, सिर्फ वही होते हैं जो लाइने मारते हैं। नहीं, लड़कियां करती हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये उनका हक है, जैसे मर्जी करें, मेरा जिसे मेरी मर्जी। तो भाई ये देख लो फिर, ऐसे लड़के कहाँ से आते हैं, मम्मी मुझे ऐसा लड़का चाहिए। अरे भाई लड़का नहीं है वो, 40 साल का अंकल है। लेकिन नहीं भाई, वो ठरक झाड़ सकती है क्योंकि वो उनका हक है। वाह भाई वाह, लेवल दिल जीत लिया तूने। यार अली भाई, इसको गीली चुम्मी देने को दिल कर रहा है मेरा। नो। तो चलें फिर एक और देख लेते हैं। ये क्या पैन, इसकी माँ की, यार ये किसने पैन ये की है। जॉनी भाई पकड़ के लाओ इस माँ, इसको मैं बताता हूँ खूबसूरती क्या होती है, पकड़ के लाओ। अदले तवज्जो। हाँ रिजवी साहब, मैं भी यही कहता हूँ कि गाली नहीं देनी चाहिए, बुरी बात होती है। ओ यार जानी भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मिनट में तुम पार्टी चेंज कर लेते हो, मतलब कि क्या है यार, व्हाट द फक इज दिस यार। और वैसे ये किसको चुड़ैल हुई है, मतलब कुछ भी। भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि जब हलीमा सुल्तान अपने पाकिस्तानी फैंस के रिव्यूज देखने के लिए इंस्टाग्राम खोलकर जब ये चुस्से देखती होगी तो ये कहती होगी, अरे चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ।
हाँ तो ये देख के फिर से ठरकी इंसान मेरे जहन में आ जाता है, जिनकी इंटरनेट की हिस्ट्री यूट्यूब नहीं बल्कि सुर्ख ट्यूब से भरी पड़ी रहती है, और लड़की चाहिए उनको हूर परियों जैसी। तो भाई जाओ उसके लिए थोड़ी अपनी बबून रगड़वाओ, थोड़े पैसे कमाओ, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि तुम्हें हूर परी मिले। तो किसी ने सही लिखा है कि मास्टर पटरोशियो जैसी शक्ल है और लड़की तुमको हलीमा जैसी चाहिए। और यार जॉनी भाई जाके मेरे लिए समोसे लेकर आओ, मुझे ये चुस्से पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा अली भाई, तो भाई नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। आधे नहीं भाई, आधे नहीं बोलो, सारे पाकिस्तानियों का क्रश है ये। क्यों भाई लड़को, सही कहा ना मैंने? कमेंट में बताओ जरा मुझे। यार अली भाई वो समोसों वाला समोसों का रेट ही नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा भाई? अली भाई मुझे क्या पता, आप खुद ही जाके पूछ लें उससे। दिखाओ भाई कौन है उसकी ऐसी की तैसी। वो यार समोसे वाले भाई बताओ यार समोसों का रेट कितना है। मैं नहीं बताऊंगा। वो जॉनी समोसे पकड़ और भाग जा यहाँ से, भाग जा, इसने नहीं बताना। तो भाई आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या पहन यकील गाई हुई है तुम लोगों ने? घर में बैठो, व्हाट द फक इज दिस। कुछ दिन अपनी बबून को घर में टिका लोगे तो सूझ नहीं जाएगी। स्टे होम स्टे सेफ। ओके अल्लाह हाफिज।